खरसावा गोलीकांड के आज 75वीं बरसी है। खरसावा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री चंपई सोरेन समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक आज खरसावा जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर हेलीकॉप्टर से खरसावा के हाई स्कूल मैदान में उतरेंगे, जहां प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे खरसावा के आमदार रोड में बनाए गए मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने समर्थकों के साथ सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। सहयोगी बसंत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बसंत, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं? जी देखिए, प्रशासन के ओर से तो पूरा जो आपका विधि व्यवस्था रखे गए हैं, सारा विधि व्यवस्था है। जैसे गोलीकांड शहीद स्थल में जो जाएंगे, शहीद स्थल पर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, उसके बाद निकलने के लिए दूसरी तरफ रास्ता बना हुआ है। और दूसरा ये बात है कि शहीद स्थल कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति जाए, वो जूता चप्पल खोलकर भी जाएंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे हमारा जो शहीद कांड जो 1948 में हुआ था, आज का मैंने इस चीज को कोई भी बच्चे पढ़ा नहीं गया है। ये जो शहीद आदिवासी जो शहीद हुए थे, इसको कोई भी आज तक उजागर नहीं किया किस कारण से उजागर हुआ। पहले जानना जरूरी होगा कि 1948 साल में आज का दिन ही पूरा ब्रह्मांड में बड़ा बड़ा हुआ था, और उड़ीसा सरकार खरसावा को बिहार से उड़ीसा में शामिल करने के लिए और निहत्ते आदिवासी के ऊपर गोली चलाया था, जिसमें बच्चा औरा और जो भी बड़े बुजुर्ग रहे या जवान आदिवासी रहे, सबके ऊपर गोली बरसाया गया था। जी तो ये कहीं ना कहीं ढाका सरकार को इस इतिहास को किताब में दिखाना चाहिए। इस क्षेत्र का लोगों का मान है और ये आदिवासी बहुत गोलीकांड की जानकारी तमाम लोगों को दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बसंत, तमाम बातचीत और जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।